तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 147 ऑफ द रियल सुपर हीरो फैक्ट्स। तो आज मेरे पास अभी चल रहे राइटर स्ट्राइक और सैग अफ्तरा की स्ट्राइक के चलते बहुत ज्यादा अपडेट्स तो नहीं है, बट जितनी भी है वो सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग है, जिसमें जेम्स गन ने सुपरमैन लेगेसी मूवी की हुई एक कन्फर्मेशन के साथ बेन एफ्लिक बैटमैन रिमूव फ्रॉम एक्वामैन 2 और ओपनहाइमर मूवी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेटिंग जैसे अपडेट्स है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट है सीक्रेट इन्विजन एपिसोड नंबर 5 से रिलेटेड। इसके एपिसोड 5 से इस सीरीज का मेन थीम और मेन मोटिव या फिर कहे कि स्क्रल के नए जनरल ग्रेविक का मेन मिशन रिवील हो चुका है, और वो ये है कि ग्रेविक एवेंजर्स के हार्वेस्ट किए हुए डीएनए को पाना चाहता है, जिससे वो उनकी पावर्स को यूज करके सुपर स्क्रल बन सके, जैसे उसने ग्रूट के डीएनए को यूज करके उसकी तरह की पावर्स को यूज किया है, जहां उस एवेंजर्स के उन डीएनए को खुद निक फ्यूरी के भेजे हुए स्क्रल की टीम, जिसमें ग्रेविक भी शामिल था, उन्होंने कलेक्ट किया था। मुझे तो एपिसोड नंबर 5 ठीक ठाक लगा। आपको क्या लगता है कि निक फ्यूरी ने कौन कौन से एवेंजर्स मेंबर के डीएनए को हार्वेस्ट करके रखा हुआ होगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वही सीक्रेट इन्विजन सीरीज में यूएस के प्रेसिडेंट का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर डर्मोट मुलरोनी ने कंफर्म कर दिया है कि आगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में हैरिसन फोर्ड के थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर यूएस का नया प्रेसिडेंट होने के साथ शायद से वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जहां इस सीरीज में ब्लैक विडो मूवी में दिखे रिक मेंसन एक्टर ओटी फैगबेनले का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगले अपडेट है द मार्वल्स मूवी से रिलेटेड। जहां इस मूवी से एंटरटेनमेंट वीकली की इन इमेजेस के साथ बहुत सारी लीगो सेट इमेजेस सामने आई है, जिनको मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। ज्यादा मार्वल्स मूवी की प्रोड्यूसर मैरी लिवनसन ने कंफर्म कर दिया है कि पॉक्स यो जून का प्रिंस यान का कैरेक्टर द मार्वल्स मूवी में कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल का एलाय यानी सहयोगी होने वाला है। वही एक इंटरव्यू में बात करते हुए द मार्वल स्टार जावी एस्टन ने बोला है कि उनको द मार्वल्स मूवी में एक्टिंग करने के लिए उनके फियांसे लुकी एक्टर टॉम हिडलस्टन ने एम्पावर्ड किया था। इसी के साथ एमसीयू के आयरन मैन के कैरेक्टर का फेमस डायलॉग आई लव यू 3000 के आर्क रिएक्टर के ये कुछ टॉय मच इमेजेस सामने आई है। नेक्स्ट इज एमसीयू ने एंटमैन 3 मूवी की मार्वल स्टूडियोज असेंबल डॉक्यूमेंट्री को अभी ऑफिशियली रिलीज कर दिया है, जिसमें हमें जोनाथन मेजर्स की अभी चल रही कंट्रोवर्सी के बावजूद उनकी क्लिप्स देखने को मिल जाती है। जहां इन्हीं असेंबल एपिसोड में से कैसी लैंग एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन का केट बिशप के कैरेक्टर ऑडिशन क्लिप भी सामने आई है। मैंने असेंबल डॉक्यूमेंट्री एपिसोड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चाहे तो देख लेना। इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बोला जा रहा है कि एमसीयू की मूवीज और सीरीज की वजह से डिज्नी प्लस को मिले 800 मिलियन प्लस के लॉस के चलते बॉब इगर डिज्नी प्लस को एप्पल को बेचने वाले हैं। तो चलो अभी कुछ डीसी मूवीज के अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जहां द फ्लैश मूवी के पहले 10 मिनट्स को ऑफिशियली ऑनलाइन और यूट्यूब पर रिलीज किया जा चुका है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो देख लेना। और साथ ही द फ्लैश मूवी के डिजिटल रिलीज के साथ इसमें दिखाए हुए निकोलस केज के सीजीआई सुपरमैन कैमियो के ये कुछ हाई क्वालिटी इमेजेस सामने आई है। वही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जेम्स गन और पीटर सैफ्रॉन ने एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम मूवीज से फिल्माए गए बेन एफ्लिक के बैटमैन के सीन्स को इस मूवी से हटा दिया है, क्योंकि वो फैंस को उस सीनोस का वादा नहीं कर सकते जो कि उनके नए डीसीयू में दिखने ही नहीं वाले। वही जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन लेगेसी मूवी में सुपरमैन एंड लुइस लेन ही सबसे मेन कैरेक्टर होने के साथ इन पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। इसी के साथ एएमसी थिएटर्स की लिस्टिंग के मुताबिक ब्लू बीटल मूवी का टोटल रन टाइम 2 घंटे और 7 मिनट का होने वाला है। आगे हॉलीवुड मूवीज की सेगमेंट की बात करें तो नेटफ्लिक्स ने उनकी एलाइट सीरीज को सीजन 8 के लिए रिन्यू कर दिया है। फिर अमेजन प्राइम की मच अवेटेड इनविंसिबल सीजन 2 का ये एक ऑफिशियल पोस्टर सामने आया है। आगे बढ़े तो ओपनहाइमर मूवी की अर्ली क्रिटिक्स रोटन टोमेटो रेटिंग सामने आई है, जहां अभी के टाइम में इस मूवी को 153 रिव्यूज के साथ 92% की क्रिटिक्स रोटन टोमेटो रेटिंग मिली है। जहां ये रेटिंग क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्ट की हुई बाकी सारी मूवी से सबसे ज्यादा है। वही रायन गोसलिंग ने एडमिट किया है कि बार्बी मूवी का ये जो उनका वन ऑफ द लुक है वो बीटीएस मेंबर जेमिन से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट इंडियन मूवी सेगमेंट की बात करें तो प्रभास की मचा बैठे प्रोजेक्ट के मूवी से प्रभास और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की ये फर्स्ट लुक इमेजेस सामने आई है। वही राणा दागोबत्ती ने अभी चल रहे कॉमिक कॉन इवेंट में उनकी कई सारी मूवीज सीरीज और कॉमिक बुक की अनाउंसमेंट कर दी है, जहां उनके इसी अनाउंसमेंट से हिरण्यकश्यप मूवी और मृणाल मुरली कॉमिक बुक का ये फर्स्ट लुक इमेजेस सामने आई है। तो बस यार आज के लिए बस इतनी अपडेट थी पूरे मार्वल डीसी और बाकी हॉलीवुड और इंडियन मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।